अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, स्वागत है आपका firstbite.tv में। कोरोना का डर अब लोगों के सिर पर चढ़ने लगा है। शामली में एक संदिग्ध की मौत के बाद अब सहारनपुर में एक व्यक्ति ने कोरोना के डर के कारण खुद को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। बताया जा रहा है कि वह पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान था। अपने सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि वह कोरोना के डर के कारण आत्महत्या कर रहा है और उसका सारा पैसा उसकी पत्नी को दे दिया जाए। गंभीर बात यह भी है कि गन्ना विकास परिषद शेरमऊ में क्लर्क आदेश ने अपनी मौत के लिए घर नहीं बल्कि कार्यालय चुना। आदेश रामपुर मनिहारन थाने के गांव शेरपुर का रहने वाला था। बता दें कि सहारनपुर के नुक्कड़ में सत्संग भवन के पास ही गन्ना विकास परिषद शेरमऊ का कार्यालय है। बुधवार की रात 8 बजे तक भी जब कार्यालय बंद नहीं हुआ तो पास में ही रहने वाले जितेंद्र ने अंदर आकर देखा तो उसके होश उड़ गए। कार्यालय में भीतर आदेश का शव रस्सी से लटका हुआ था। नुक्कड़ कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा। वहां पुलिस को सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। इसमें लिखा हुआ है कि वह कोरोना से बेहद डरा हुआ है और तनाव में है, लिहाजा अपनी जान दे रहा है। उसका जितना भी पैसा है वह उसकी पत्नी को दे दिया जाए। दरअसल उसे यह डर सता रहा था कि कहीं वह कोरोना से संक्रमित न हो जाए। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का दिखाई दे रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि 19 मार्च को सफदरजंग अस्पताल की 7वीं मंजिल से कोरोना के डर से कूदकर एक व्यक्ति ने जान दे दी। आज ही शामली में कोरोना की रिपोर्ट आने से पहले ही एक संदिग्ध मौत को गले लगा चुका है। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार। गन्ना समिति में जो काम करने वाले कर्मचारी ने उन्हीं के ऑफिस में ही सुसाइड कर लिया है, उसे सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंच के बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है, अन्य जांच भी कर रहे हैं लोग। जहां तक उसकी जो सुसाइड नोट की बात है, वहां पे उन्होंने ये लिखा है कि कोरोना से डर के वजह से ये कदम उठा रहा है। परिवार वालों से बात करने पे ज्ञात हुआ कि वो काफ़ी दिन से डिप्रेशन की मरीज है और उसका इलाज भी चल रहा था, हमेशा हर चीज़ को लेकर परेशान रहता था। अन्य जो भी चीज़ें हैं पोस्टमार्टम के बाद, अन्य जो मेडिकल जाँचों के बाद फिर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।